पिछले बेवकूफ के हॉल में आपने इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग व्यूज दिए, तो मैंने सोचा कि एक और हॉल क्यों ना किया जाए। तो यहाँ पर एक पैकेट है, यहाँ पर एक पैकेट है, इन दोनों में मिलाकर 5 टी-शर्ट्स हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं हनी में टी-शर्ट्स के बारे में। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑलरेडी हो चुका है एनीमे। मैं तो यार 2-3 साल से अभी देख रहा हूँ, जब से मतलब कोविड लगा था, आपको मैंने ब्लॉग्स में भी बताया था। लेकिन आज जो टी शर्ट्स हैं वो भाई इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि सब एनीमे लवर्स को पसंद आने वाली है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एंड अनबॉक्स करते हैं कुछ टी शर्ट्स। बेवकूफ़ की पैकिंग आई रियली लव, क्योंकि ये ना इस तरीके से पैकेट्स भेजने लग गए हैं जो कि कागज़ के थैले हैं। ऑल्दो अमेजोन ने भी ऐसी स्टार्ट कर दी, काफ़ी और वेबसाइट्स ने स्टार्ट कर दिया जब से प्लास्टिक बैन हुआ, लेकिन अभी भी कहीं कहीं वेबसाइट्स में तो भैया प्लास्टिक आ ही रहा है। आई डोंट नो हाउ, लेट्स ओपन दिस एंड सी, अंदर तो प्लास्टिक ही होगा। अब सही बताओ तो इनकी ऐप में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, ये भी देखा कि कौन कौन से और कलर्स अवेलेबल होंगे। जो मुझे कॉमन कलर्स मिल रहे थे वो थे ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक और वाइट की 4 टी शर्ट्स से मिलाकर मतलब 2 और 2 प्लस एक रेड कलर की टी शर्ट है। तो लेट्स अनबॉक्स द वाइट वन फर्स्ट। सबसे पहले ओवरसाइज टी शर्ट आ जाती है, माय बॉय एरन येगर फ्रॉम द हाउस ऑफ अटैक ऑन टाइटन। तो उस तरीके की ये दिखती है। पीछे हो भाई, टैग क्यों पहले आ जाता है तू? तो ये अटैक ऑन टाइटन का इस तरीके का लोगो है, आपने देखा होगा। कहाँ देखा है मुझे जरूर देख के मतलब कॉमेंट्स करके बताना। एंड इस तरीके का यहाँ दिखता है। इस तरीके का मेरे पास एक पेंडेंट भी है जो कि एक नेकलेस मतलब आप कह सकते हो, मैं यूज करता हूँ कभी कभी। एंड एनीमे फैंस के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि एनीमे के लिए टी शर्ट्स ना बहुत ज्यादा ब्रांड्स नहीं बना रहे हैं। एंड एनीमे इज समथिंग मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लविंग दीज डेज। पीछे से अगर बात करें तो बैक प्रिंट टी शर्ट है, इसके अंदर जो पर्पल कलर यूज हुआ है वो इस तरीके का दिखता है। एरन येगर का ये रहा भैया पूरा उसका, जब वो टाइटन फॉर्म में होता है और जब वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपको प्रिंट देखने को मिलेगा। प्रिंट की क्वालिटी इज क्वाइट नाइस, ये काफी अच्छा प्रिंट है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा सस्ता प्रिंट किया हुआ है। बट ये नीचे आपको यहाँ पर जैपनीज फॉन्ट में कुछ देखने को मिल जाता है, काफी सारी चीजें लिखी हुई है। एंड अगेन लिखा हुआ है अटैक ऑन टाइटन। ये वाले जो आई थिंक बेवकूफ है कहीं से भाई, ऑब्वियसली यार इतना बड़ा ब्रांड है तो चुराता नहीं होगा, इन्होंने शायद खुद डिजाइन करके ऐसा बनाया होगा कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके, विच आई थिंक इज रियली कूल। एंड अगर एक आर्टिस्ट है जिसको मतलब यू नो एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो वो ऐसी जगह ट्राई कर सकता है अपना करियर। वाह, करियर एडवाइस भी मिल रही है आपको इस चैनल पे, क्या बात है। एंड जैसा कि मैंने कहा एरन येगर यहां पर लिखा हुआ है, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा और होता, जैसे मिकासा वगैरह भी यहां होते ना, तो मुझे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगता, खास करके लिवाई अगर होता। तो आप लोगों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अटैक ऑन टाइटन का, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो या दिस इज अ नॉर्मल टी शर्ट, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे बेवकूफ की लगती है कि इनमें ना आपको प्रॉपर एक ओवरसाइज पैटर्न देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो ज्यादातर टी शर्ट अगर आप देखोगे ऑनलाइन जो मिल रही है ओवरसाइज उसमें कहीं ना कहीं कर देते हैं। नेक्स्ट टी शर्ट आती है मेरे पास फ्रॉम द हाउस ऑफ ड्रैगन बॉल जी, एंड उसका जो भाई फेवरेट कैरेक्टर सबका हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम ना वो उस बच्चे से रिलेट कर पाते थे जिस तरीके का बच्चा गोकू का था। एंड आई एम यस टॉकिंग अबाउट गोहान। यहाँ पर छोटा सा आपको गोहान का पुराना जो गोहान था उसका एक छोटा सा यू नो लोगो देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल प्लेन टी शर्ट है, इस तरीके का कॉलर है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन्ड है। एंड ये प्रॉपर ओवरसाइज करके आती है। पीछे आ जाए तो वहां से होता है इसका जादू स्टार्ट, जहां पर आपको गोहान पूरे यू नो सुपर सैयन फॉर्म में दिखता है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, पर्पल येलो एंड ब्लैक, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा सूट कर रहा है। बस ये बात है कि इसको पहन के अगर मैं भी सुपर सैयन बन गया ना, तो बस सबसे पहले तो मैं उड़ने जाऊंगा। आप लोग क्या करोगे अगर आप सुपर सैयन बनते हो तो, तोड़फोड़ के अलावा? फैब्रिक की क्वालिटी मुझे टच करके पता चल रही है कि वैसा वाला नहीं है कि अगर आप इसको बाय चांस वॉशिंग मशीन में डालते हो तो खराब हो जाए, विच इज अ गुड थिंग। एंड बेवकूफ की यही सबसे अच्छी बात लगती है। इसके अगर प्राइस की बात करूं तो 1299 का आपको MRP देखने को मिलता है। अब देखो ओवरसाइज टी शर्ट का ट्रेंड है, प्लस ग्राफिक जो से वो डिजाइन आता है, इतनी कॉस्टिंग नहीं आती है इसकी, बट ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग इसको भाई आंख बंद करके खरीदते ही हैं। ऑल्दो मैंने डिस्काउंट पे मंगवाई थी, काफी सारे एक साथ चीजें मंगवा दो तो डिस्काउंट पड़ता है उस पर काफी मोटा। तो यस, अगर आप चाहते हो यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट्स। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई, एंड जो प्रिंट है इसके लिए ओवरऑल भैया पॉइंट्स जाते हैं इस गोहान वाली टी शर्ट को। नेक्स्ट टी शर्ट इज जस्ट फॉर द नारुतो फैंस, एंड यहां पर हम बात करने वाले हैं भैया मतलब नारुतो में सबसे स्ट्रॉन्ग विलन जो होता था ना, हुआ करता था, क्या बोल रहा हूँ, जो भी था इसमें, वो था मदारा उचिहा। एंड उसके ऊपर भैया टी शर्ट बनाई गई है, लेट्स टॉक अबाउट मदारा उचिहा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द घोस्ट ऑफ उचिहा वाली टी शर्ट। यहां पर बड़ा ना फाइन प्रिंट है, तो आपको शायद देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर पर्पल कलर से बिल्कुल सिंपल प्लेन तरीके से लिखा गया है घोस्ट ऑफ उचिहा। एंड पीछे अगेन ये सारी बैक प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, सारी नहीं, एक इसमें अलग है जिसमें सिर्फ फ्रंट में है। लेकिन पीछे आ जाती है मादारा की आंख, यहाँ पर आ जाती है शरिंगान। आई डोंट नो ये कौन सी मांगे की हो या कौन सी वाली, बट यस दिस इज लाइक क्वाइट गुड। एंड आई थिंक जो भी नारुतो का फैन होगा, जिसने दिल से वो सीरीज देखी, जिसने दिल से वो एनिमे देखा होगा ना, उसको पता होगा कि इसकी वर्थ क्या है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन कलर, इसमें शायद एक और कलर है जो कि ब्लैक था,
बट वाइट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेसफुल लगा। ऑल दो पर्पल इसके साथ इतना अच्छे तरीके से जा रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अटैक ऑन टाइटन वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसी के तरीके से। बट येस, दिस इज समथिंग क्वाइट नाइस एंड फैब्रिक क्वालिटी इज द सिमिलर, ऑब्वियसली कुछ अलग नहीं है इसमें। एंड येस, इसका भी प्राइस की अगर बात करें तो इसमें कहीं टैग मैंशन नहीं है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि इसमें टैग होना चाहिए। बाई चांस मुझे रिटर्न करनी पड़ती तो भैया वो तो बोल देता कि इसमें टैग नहीं है, बट आई विल कीप इट। नेक्स्ट टी शर्ट आ जाती है थोड़ी से अलग कलर की, ब्लैक और व्हाइट से हटकर आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो हमारे पास आ जाता है, वेट इसका टैग अंदर डालूँ, इसका भी भैया 1299 का MRP है, विच इज़ क्वाइट ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा है। बट आपको ये सस्ते में मिल जाएगी, आई थिंक 800-900 रुपये की, वो भी सस्ता नहीं है, बट स्टिल क्वालिटी के हिसाब से और थोड़ा जब आपको सेल दिखे तब आप इसको मंगवा सकते हो। एनिमे वालों पर शायद वो सेल नहीं देंगे क्योंकि इट्स हाइप प्रोडक्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाती है रेड कलर की ये ओवरसाइज टी शर्ट, जिसके ऊपर आपको मिलते हैं वेजिटा एंड गोकू दोनों। ये देखो भैया कितना प्यारा प्रिंट है, इस तरीके से दोनों आपको देखने को मिल जाए तो आप क्यों ना इस टी शर्ट को खरीदो। येलो कलर एंड रेड कलर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, कलर कॉन्ट्रास्ट और कॉम्बिनेशन के हिसाब से दोनों तरीके से काफी अच्छा होता है। तो यस, आई थिंक दिस इज अ क्वाइट फाइन प्रिंट। पीछे आपको सैडली कुछ देखने को नहीं मिलता, इसमें बैक प्रिंट में कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही टी शर्ट ऐसी है जिसमें नहीं होगा। बट यस, अगर ओवरऑल बात करें, आपको थोड़ा फंकी कलर चाहिए ऐसा जिसमें आप इसको अलग तरीके से, क्योंकि ओवर साइज ट्रेंड इज ऑल अबाउट बींग फंकी। एंड यस, उसके ऊपर ही अच्छे से खरे उतरती। एंड आई थिंक दिस इज अ गो टू टी शर्ट फॉर एवरी DBZ फैन। आपका फेवरेट कैरेक्टर अगेन कौन सा है, ये तीन चार चीजें पूछ लिया ना मैंने, सबका कॉमेंट करके आप बताना। लास्ट टी शर्ट मेरे पास आ जाती है, सबसे ज्यादा जाना माना गया एनिमे एंड जो अभी अभी नया आया है, जिसने भैया धूम मचा दी, जिसने अपनी जीरो करके एक मूवी निकाल दी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ यू आर एन एनिमे फैन यू गेस राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट जुजुत्सु काइजेन। यहाँ पर आपको उसका प्रॉपर इसी तरीके का फॉन्ट होता है उनका जापानीज वाला। अब ये मत सोचना जापानीज हर एक तरीके से फॉन्ट से लिखी जाती है, इसमें भी अलग अलग फॉन्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्रंट में भी देखने को मिलता है एंड बैक पे अगर बात करें तो गोजो भाई साहब हमारे पीछे आ जाते हैं यहाँ पर चिपक कर। एंड ये वाला टी शर्ट का प्रिंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जैसे वो यूनिवर्स टाइप का होता है, जैसे म्याउथ पोकेमोन के टाइम पे वो पूरा यूनिवर्स दिखाते थे, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, ब्लू कलर एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस तरीके का यहाँ पर गोजो का बनाया गया है। गोजो का जो प्रिंट है वो भी काफी फाइन है, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, विच इज क्वाइट गुड। एंड आई थिंक नीचे यहाँ पूरा गोजो भी है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी में आपको अगर एक चीज मिल रही है ना, तो आपको वहां पे पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, जो कि 400-500 वाली होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऊपर डालकर एक अच्छी क्वालिटी के साथ साथ एक अच्छा प्रिंट एंड यू नो यूनिक डिजाइन की तरफ जा सकते हो। आई रियली लाइक दिस एंड ओवरसाइज का ट्रेंड जब तक है तब तक आप इसको अच्छे से पहन सकते हो। एंड आई वुड से कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, देखो मेरा तो ये काम है आप लोगों को दिखाना चीजें, बट अगर आपको लगता है दो या तीन टी शर्ट भी काफी है, आप उतनी ऑर्डर करो लेकिन उसमें खुश रहो जिस पीस में वो आप मंगवा रहे हो। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न है, बाई चांस अगर आपने वो मेरा 10 टी शर्ट्स वाला हॉल नहीं देखा ना, वो जरूर देखना, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वॉज द हॉल ऑन बेवकूफ एनिमे टी शर्ट्स पर्टिकुलरली। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताना कौन सी टी शर्ट आप लोगों की फेवरेट है, मैं जानना चाहूंगा। तो आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।